हेलो एवरीवन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम शमशेर राजपूत। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस के, क्योंकि बायोलॉजी के रिलेटेड मैंने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो हैं अपने दो वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं। सो दिस इज़ माई थर्ड वन। सो आज के इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि JKSSB के रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो चैनल में शेयर करने की, अपलोड करने की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 42। द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडीज़, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट जो बोन होती है ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी है, उसको बोलते हैं फेमर। तो राइट ऑप्शन इसका फेमर। क्वेश्चन नंबर 43, विच मेटल इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, तो कौन सा मेटल प्रेजेंट है हेमोग्लोबिन में, उसको बोलते हैं हम आयरन। क्वेश्चन नंबर 44, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू, फोटोसिंथेसिस के दौरान सोलर एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, तो सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। तो राइट ऑप्शन है इसका केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट जो बोन है ह्यूमन बॉडी में उसको बोलते हैं स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स जो है स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 47, द स्टडी ऑफ ट्री इज कॉल्ड, स्टडी ऑफ ट्री को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। ठीक है, तो स्टडी ऑफ ट्री को बोलते हैं डेंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 48, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन प्रपोज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड, अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड उसको बोलते हैं एपिडर्मिस, एपिडर्मिस, अपरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एपिडर्मिस। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज द ओनली एलिमेंट फाउंड इन क्लोरोफिल, कौन सा एलिमेंट, ओनली एलिमेंट जो पाया जाता है क्लोरोफिल में उसको बोलते हैं मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 50, नो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है विच कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स किचन, तो उसको बोलते हैं क्लोरो, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज कॉल्ड इट्स किचन। क्वेश्चन नंबर 52, डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो डर्मेटोलॉजी बोलते हैं ह्यूमन स्किन, सॉरी स्किन, ह्यूमन स्किन जो है डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, विच केमिकल इज पॉपुलरली इन रेड पॉइजन, कौन सा केमिकल पॉपुलरली इन रेड पॉइजन में होता है उसको बोलते हैं वाइट फॉस्फोरस। तो क्वेश्चन नंबर ये था 53। क्वेश्चन नंबर 54 है ब्लैंक, आ ब्लैंक इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो उसको बोलते हैं न्यूरॉन, न्यूरॉन जो है इज द स्मॉलेस्ट एंड स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, है जी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, जीका वायरस इज कैरिड बाय ब्लैंक मॉस्किटो, तो जीका वायरस इज कैरिड बाय एडिस मॉस्किटो। ठीक है, एडिस नेम ऑफ मॉस्किटो, उसको बोलते हैं एडिस। क्वेश्चन नंबर 56, टमाटो कंटेन बीच एसिड्स, तो उसको बोलते हैं ऑक्सलिक एसिड्स। ठीक है, टमाटो कंटेन ऑक्सलिक एसिड्स। नो क्वेश्चन नंबर 56, विच एनिमल रिस्पायर विदाउट हैविंग ब्लड इन देम, तो उसको बोलते हैं हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 57, अ बाइट ऑफ ए मैड डॉग कॉजेस, तो मैड डॉग के काटने से क्या कॉजेस हो सकते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, विच डिजीज इज नोन एज साइलेंट किलर, तो कौन सी डिजीज जानी जाती है साइलेंट किलर के लिए, तो उस डिजीज का नाम है हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, ह्यूमन सेलिबा कंटेन द एंजीम नोन एज, उसको बोलते हैं पेटलिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, विच ग्लैंड डिसअपीयर ड्यूरिंग ओल्ड एज, तो कौन सा ग्लैंड डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग ओल्ड एज में, उसको बोलते हैं थाइमसिस, थाइमस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है अ ब्लैंक इज नोन एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, तो सिल्क इज नोन एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। क्वेश्चन नंबर 62, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द, तो कौन सा ग्लैंड जो है जो जाना जाता है मास्टर ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, इसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63,
द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज नोन एज, तो प्रोसेस जो होता है सेल डिवीजन को वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मिटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 है, विच मेजर केमिकल कंपाउंड इज फाउंड इन ह्यूमन किडनी स्टोन्स, तो कौन सा मेजर केमिकल जो कंपाउंड जो है पाया जाता है ह्यूमन किडनी स्टोन्स, उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सालेट। क्वेश्चन नंबर 65, विच मेटल इज प्रेजेंट इन इंसुलिन, कौन सा मेटल जो है प्रेजेंट होता है इंसुलिन में, उसको बोलते हैं जिंक। नो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 है, एल्कोहल अफेक्ट्स विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो एल्कोहल जो है कौन से ह्यूमन ब्रेन के कौन से पार्ट को इफेक्ट करता है, उसको वो करता है सेरिबेलम में। क्वेश्चन नंबर 67, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज द रेगुलेटिंग सेंटर फॉर स्वेलिंग एंड वोमिटिंग, तो उसको बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई चेंजेस इट साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट, ठीक है, तो ह्यूमन आईज जो होती हैं इसमें एक होता है स्क्लेरा, एक होता है प्यूपल, एक होता है पीपल, तो जो पीपल होता है जैसे लाइट पड़ती है रोशनी पड़ती है तो पीपल छोटा हो जाता है, और अंधेरे में जो आइज का जो पीपल है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा पार्ट है ह्यूमन आइज का वो चेंजेस होता है इट साइज बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ लाइट, उसको बोलते हैं हम पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट डन टू डायग्नोज कैंसर, तो कौन सा जो टेस्ट टेस्ट जो डायग्नोज किया था कैंसर को, उस टेस्ट को उसका क्या नाम है, उस टेस्ट का नाम होता है बायोप्सी टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, द विटामिन विच इज कंसीडर्ड टू बी अ हार्मोन इज, तो द विटामिन विच इज कंसीडर्ड टू बी हार्मोन इज विटामिन डी। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस जो बायोलॉजी के रिलेटेड थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।